हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तीसरे दिन या चौथे दिन ऊपर झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। वैसे तो झाड़ू तो कमरे में रोज सी लगा देती हूँ, पर झाड़ू और पोछा मैं तीसरे दिन लगाती हूँ। जब से रितु गई है तो ऊपर की साफ सफाई भी मुझे ही करनी है, और सबसे नीचे तो राशन का काम है, तो इसी वजह से वहां पे जल्दी से झाड़ू पोछा नहीं लगा पाते। तो देखिए, मैंने ना सबसे पहले तो जब मैं दूध धरने आती हूँ ना, मतलब दूध कढ़ने के लिए ऊपर छत पे लेके आती हूँ, तो मैं तभी ऊपर का काम भी खत्म करके जब नीचे जाती हूँ, तो मैं दूध तो मैंने धर दिया कढ़ना। देखिए वो धुआं हो रहा है ना हरे में, तो वो मैंने रख दिया है कढ़ने के लिए। और मैं साथ के साथ ही जब नीचे से आती हूँ ना, तो ये जल है जिसमें हम ठाकुर जी नहाते हैं, तो ये जल लेके आती हूँ, ये पेड़ पौधों में सला देते हैं। तो मैं ना अधिकतर पेड़ पौधों में ही सला देती हूँ ठाकुर जी का नहाने का पानी है जो ये। इसे ऐसे ही गिरना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने ना छत पे तो सारे को झाड़ू लगा दिया है। देखिए हमारी छत पूरी साफ है ना, सारे को अभी अभी झाड़ू लगाई, और मैं अब पोचा लगाने को सोच रही। मैंने बाल्टी में पानी भी ले लिया, ये बाल्टी बड़ी है, मैं छोटी बाल्टी को ढूंढ रही थी तो मुझे वो मिली नहीं, मैंने बड़ी में ही पानी ले लिया था। फिर मुझे ये देखी, ये रखी है पौधों के पास, मेरा ध्यान नहीं गया, तो मैंने बड़ी बाल्टी में पानी ले लिया। बड़ी बाल्टी में पोचा नहीं लग पा। और आज है दिन शनिवार का, तो मैं उठी थी 4 बजे, मुझे लगाने जाना था दिया भूमिया पे, वो मैं लगाया ही। और यही मेरे साथ गए थे रवि जी, तो पता है मेरे ना वहां मधुमक्खी ने पैर में काट लिया, उंगली सूज गई, तो ठीक से चल भी नहीं पा रही। पर क्या करूं, काम तो मुझे ही करना है ना क्योंकि जब मैं अकेली हूं तो मुझे ही करना है। मम्मी की भी तबीयत ऐसी रहती है, क्योंकि मम्मी के ना अधिकतर आपको बताया मैंने, बार बार रिपीट नहीं करती मम्मी की तबीयत कैसी रहती है। तो चलिए अब ना ये जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। देखिए मैं खाने में ना दाल चावल बना रही, तो मैं ये धो के लिया है।
कल इसमें बनाए थे गोश्त, तो उसकी टिक्की बच रही थी थोड़ी सी, तो इसने एक टिक्की बनाई और इस टिक्की पे ना सारे बच्चे बैठे इंतजार में कि कब उड़का मिलेंगे कल बैठे। चलो मैं सना इस पर रख देती हूँ। और देखिए दाल देने बनने के लिए रख दी है, और इसके छोंकने के लिए मैं टमाटर और प्याज काटती हूँ। मिकी फ्रिज में ना हरी मिर्च रखी बेटा ला दिए। देखिए दाल बनके हमारी तैयार हो चुकी है। ये बनी दाल थोड़ी टाइट है, मुझे इसमें मान डालना है, चावल भी बनाना ना तो उसका मान डालूंगी तो सही हो जाएगी। तो अब इसमें लगाती हूँ तड़का, तो मैंने ये देसी घी चढ़ाया है। देसी घी का तड़का ना बहुत दाल में बहुत अच्छा लगता है, उसकी दाल का टेस्ट अलग हो जाता है। तो देखिये ये सबसे पहले तो मैं जीरा है, ये जीरा भून गया, और ये मैंने हरी मिर्च भी अलग से काट रखी, और ये है लाल मिर्च, और ये प्याज। और देखिए दोपहर का टाइम है और हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है, मैंने सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, और अब सबसे लास्ट में मैं खा रही हूँ खाना। तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ दाल चावल। देखिए ये दाल चावल है, और पापा लेके आए थे आम। आम का सीजन शुरू होगा ना, तो आम घर पे आते रहते हैं अब तो रोज़ तीसरे दिन। ये है आम, मैंने कटिंग कर ली है। मुझे ना आम खाने के साथ ही अच्छा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता, वैसे मैं कम खाती हूँ आम, बस खाने के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना सुबह ले आए थे पापा आम, तो मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी दोपहर का खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी उसके साथ मैं आम खाऊँगी। तो देखिए मिस्त्री तो अपने काम पर लगी खाने, ये तो जब से आम आ रहे ना तब से लगी हुई है, चम्मच से आम खा रही। देखिए मैंने ना ऐसे काटा, छिलक के साथ साथ कटिंग कर रखी, छिलक नहीं उतारा, तो ये ना ऐसे लेके देखिए चम्मच से खाइए बेटा खा के दिखा।
अरे इसमें और नहीं है, नीचे रखो। अरे पिलपिला तो चम्मच से अच्छा लगेगा। ये देखिए ये लिया इसने, देखिए चम्मच से कैसे खाएगी। ये निकाला, ये खाया। इसका खाना अलग है। यीशू भी ऐसे ही खा रही थी, ये भी ऐसे ही खा रही, और मैं भी ऐसे ही खाऊंगी। चलिए आ जाइए आप भी, दोपहर का खाना तैयार है, आप भी खा लीजिए, और साथ में आम भी है हम। और चलिए अब मैं खाना खाती हूँ, आप भी खा लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।